Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 2nd of history. The chapter name is The New Kings and Kingdoms. Students, जब आप इस वीडियो को देखें तो उससे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जिससे आपको ये समझने में आसान हो जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करने हैं. आई होप कि इसका एक वीडियो और आएगा, पार्ट वन ये जो बन रहा है, और इसके बाद एक पार्ट टू. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द राजपूत किंगडम्स, द तुर्किस इन वेनिस, द पार्ट्स ऑफ द बंगाल्स, किंगडम्स इन द साउथर्न रीजन. स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टाइमलाइन दी हुई है, और टाइमलाइन के बाद जब आप पेज नंबर 10 ओपन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. उसमें ये बताया गया है कि हर्षवर्धन एक बहुत पावरफुल किंग रहे 700 CE, और इसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो बहुत सारे जो पावरफुल किंगडम्स थे नॉर्थ में और साउथ इंडिया में, ये धीरे धीरे राइज होने लगे, उठने लगे. इनमें से अगर हम बात करते हैं तो राजपूत जो थे तो नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने अपना राज किया, और द वर्ड राजपूत एंड द राजपुत्रा इज द संस्कृत रिफर्ड टू द ग्रेट वॉरियर्स हु वर बेसिकली नोन एज क्षत्रिय. मतलब संस्कृत से अगर इसका हम वर्ड ड्राइव करेंगे तो इसका जो नाम जिसको बेसिकली हम लोग जानते हैं वो क्षत्रिय कहलाए. अब बात करते हैं द राजपूत किंगडम्स के बारे में. सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राजपूत किंगडम्स ये अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा करते थे. फ्रेंड्स, दे वर द ईस्टर्न हिंदूज एंड द रूल्ड द एरिया ऑफ द प्रेजेंट राजस्थान. आज के जो राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने रूल किया, और गुर्जरा परिहार, द मंदोर, चौहान, मतलब अजमेर के जो चौहान थे, मालवा के परमास एंड चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड के जो चंदेल थे, ये कुछ फेमस अपने यहाँ पे राजपूत रूलर्स हुए हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चौहान ऑफ द अजमेर, जो अजमेर के चौहान थे. द चौहान रूल्ड द रीजन ऑफ द मिलिट्री ऑफ द दिल्ली एंड अजमेर, मतलब इन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो रीजन था वहाँ पर इन्होंने रूल किया. इसके अगर बिगनिंग के बारे में बात करें तो इनकी शुरुआत में जो उनके फाउंडर थे वो थे अजय राजा, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डेवलप करना शुरू किया, और बाद में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुर्जर एंड परिहार से ही फाउंडेड द चौहान डायनेस्टी, और चौहान डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड किया, मतलब चौहान डायनेस्टी के स्टार्ट किया, उसकी स्थापना की, और उन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई वो क्या बनाई, अजमेर बनाई. आज के समय का जो अजमेर है वो उन्होंने कैपिटल बनाई, जिसका पुराना नाम हुआ करता था अजय मेरू. क्या होता था, अजय मेरू, ये उनका पुराना नाम हुआ करता है. अब इसके बारे में बात करते तो चौहान जो रूलर्स थे उन्होंने उनका जो मेन जो बहुत फेमस रूलर हुए उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने 1177 ईस्वी में अपना राज्यभार किया था, मतलब किंगडम को देखना शुरू किया. उनके कोर्ट में, उनके दरबार में एक बहुत फेमस जो पर्सनालिटी रहते थे उनका नाम था चंद्रवरदाई. चंद्रवरदाई ने बहुत लंबी एक पोयम लिखी थी जिसको कहा गया है पृथ्वीराज रासो. बहुत फेमस है हिस्ट्री में, आप बेसिकली आप ये जीके की भी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी. पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत मतलब फेमस बुक है वो. इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ दो युद्ध लड़े, जिन्हें हम लोग तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है ना, बैटल ऑफ तराइन. इसमें होता क्या है, जो पहला जो आपका बैटल ऑफ तराइन होता है वो 1191 पे होता है, 1191 सी में पहला तराइन का वॉर होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता है. बट इन द नेक्स्ट ईयर, इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, द 1192 में दूसरा तराइन का जो युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और बाद में उनको पकड़ लिया जाता है, उन्हें कैद कर लिया जाता है.
फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द गुर्जर और परिहास के बारे में, गुर्जर एंड परिहास। अकॉर्डिंग टू द मेनी हिस्टोरियन द गुर्जर्स वर दो कंपेनियंस ऑफ द होंस, एक ये मतलब एक ट्राइब थी जो एक तो ट्राइब आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक जनजाति थी जो सेंट्रल एशिया में मुख्यतः रहती थी। एंड इन्वेंटेड इंडिया एंड द इन ऑफ द 5th century CE द परिहास वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैंस इन द फाउंडर ऑफ हिज किंगडम वॉज द नागभट फर्स्ट। नागभट फर्स्ट ने इनको मतलब इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग की थी। और ही इस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम इन राजस्थान पंजाब और गुजरात, और उन्होंने अपने राज्य को राजस्थान पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में इस्टेब्लिश किया। वन ऑफ हिज सक्सेसर मतलब उनके बाद जो उनके राजा है, उनके जो सक्सेसर आए उनका नाम था नागभट्ट सेकेंड, और उन्होंने कन्नौज पर कन्नौज को कैप्चर कर लिया, मतलब उसको जीत लिया और उसको अपनी राजधानी बनाई। फ्रेंड्स इसके बाद हिज ग्रैंडसन जो घोट फर्स्ट के नाम से जाने गए, वो बहुत पावरफुल लीडर रहे इस डायनेस्टी के।